शिखर को हासिल करने के पक्के इरादे ही ओलंपिक्स की विशुद्ध प्रतियोगिता का आदर्श हैं। 1984 के लॉस एंजलिस खेलों में जेफ ब्लैटनिक नाम का सुपर हैवीवेट पहलवान ग्रेको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में आ पहुंचा था, पर ब्लैटनिक के लिए ओलंपिक्स में भाग ले पाना ही एक महान उपलब्धि थी। मैं खेलों में किसी सैनिक की मानसिकता लेकर पहुंचा। मैं पहलवान था और मैंने किसी और बात की चिंता न करके सिर्फ उसी ओर ध्यान दिया। मुझसे किसी को मेडल की कतई उम्मीद न थी, ना ही मुझे राष्ट्रीय टीवी या अखबारों में कोई जानता था। ब्लैटनिक को 2 साल पहले कैंसर होने का पता लगा। रेडिएशन के इलाज के बाद उसके पेट का ऑपरेशन भी हुआ। 1984 से पहले ग्रेको रोमन वर्ग में किसी भी अमेरिकन ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, लेकिन ब्लैटनिक दूसरी मिट्टी का बना हुआ था। उसने ये कारनामा कर दिखाया। Two years ago, you had cancer. You're now cured. Gold medal. It must feel great. I'm a happy dude. Well, the crowd is happy with you too, Jeff. The crowd's happy with you too. Great job, Jeff. I'm sorry I can't talk. That's all right. Everyone's a champion. जो भी इस मैदान में उतरता है चैंपियन होता है। मुझे विश्वास है कि उस समय हर खिलाड़ी बराबर होता है। यहाँ सवाल सिर्फ काबिलियत का ही नहीं, दृढ़ता का भी है। और अगर कोई दृढ़ है तो वो हार नहीं सकता, वो किसी पर भी विजय हासिल कर सकता है। जापान का याशुहिरो यामाशीता शायद दुनिया का सबसे अच्छा जूडो पहलवान या जूडोका। लॉस एंजलिस में उसे भी शिखर की तलाश थी, सर्वश्रेष्ठ बनने की दृढ़ता थी। 1984 से पहले वो 7 सालों तक किसी से हारा नहीं था और मॉस्को में शायद वो जीतता, लेकिन 1980 के मॉस्को खेलों के बहिष्कार से वो इस सम्मान को ना हासिल कर पाया। अब मुकाबला था जर्मनी के आर्थर श्नोबल से। जब यामाशीता अपने सामने वाले को हरा कर जाने लगा तो सभी को कुछ अटपटा महसूस हुआ। यामाशीता की निचली टांग की मांसपेशी फट गई थी। आखिर महान पहलवान भी इंसान ही होते हैं। लेकिन ऐसी गंभीर चोट भी उसे फाइनल में पहुंचने से ना रोक सकी। यह मुकाबला था इजिप्ट के मोहम्मद अली रशवान से। भीमकाय इजिप्शियन ने यामाशीता की तकलीफ का लाख फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। यामाशीता के इरादे आज भी फौलादी थे। उसकी इस अभूतपूर्व विजय के बाद फिर महान खेल भावना को दर्शाते हुए हारे हुए रशवान ने उसे सहारा देकर प्रथम स्थान पर खड़े होने में मदद की। ये विजय यामाशीता के हौसलों की थी। शायद ही कभी इतिहास ने ग्रेग लुगानिस सा गोताखोर या डाइवर देखा हो, लेकिन 1988 में इस महान खिलाड़ी को अपने सारे साहस और हिम्मत को उस वक्त इकट्ठा करना पड़ा जब उसकी एक डाइव भयानक दुर्घटना में बदल गई। इस दुर्घटना के बावजूद भी लुगानिस फाइनल में जा पहुंचा, जहां उसका मुकाबला तान लियांगदे के नेतृत्व में चीन के कुशल डाइवर से था। तान पहले भी 2 बार लुगानिस को हरा चुका था। लेकिन लुगानिस, जो उस भयानक दुर्घटना से सिर्फ 35 मिनट बाद फिर डाइविंग बोर्ड पर जा पहुंचा था, फाइनल के हर डाइव में ऊंचे से ऊंचा अंक प्राप्त करता रहा। जीत लुगानिस की हुई। 2 ओलंपिक खेलों में उसने 4 स्वर्ण पदक जीते और उस कामयाबी पर उसका अधिकार था। ओलंपिक खेलों में सब विजयी तो नहीं हो सकते, लेकिन अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी कोशिश करते हुए भाग ले सकते हैं। मैराथन दौड़ का इतिहास ऐसे कई एथलीट्स की मिसालों से भरा है जो जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त क्षमता का परिचय दिया। इटली के डोरेंडो पियेत्री, जो कि 1908 में लगभग फिनिश लाइन से ठीक पहले बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना के 76 वर्ष बाद पहली महिला मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में गैब्रियला एंडरसन सीज
जो लड़खड़ाती हुई भी लाइन को पार करने में सफल रही। और ओलंपिक्स में भागीदारी के आदर्श को शायद सबसे अच्छा दर्शाया टेंजानिया के जॉन स्टीफन आक्वारी ने, जो कि सन 68 के खेलों में मैराथन पूरी करने वाला आखिरी एथलीट था। चोट खाया हुआ, थका हुआ, दर्द से कराहते हुए भी आक्वारी ने लगभग 3.5 घंटे में दौड़ पूरी की। बाद में उसने कहा कि मेरे देश ने मुझे यहाँ मैराथन दौड़ शुरू करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए भेजा है। ये बात कहकर उसने सभी को उस महान आदर्श की याद दिलाई जो कहती है कि सिर्फ जीत ही नहीं, ओलंपिक्स में शिरकत भी उतनी ही बड़ी बात है। किसी भी विशुद्ध खेल प्रतियोगिता का मूल आदर्श होता है उसमें भाग लेकर सही मनोभावना से जीत की कोशिश, दोस्ती की भावना और जज्बा ईमानदारी का। के 3000 मीटर की स्टीपल चेस दौड़ में पवन नूरमी एक और स्वर्ण पदक के करीब थे, लेकिन केवल वाटर जंप तक। इस महान खिलाड़ी को गिरा देखकर लुसियन ड्यूसैन उनकी सहायता को आया और उन्हें फाइनल में पहुंचने में मदद की। नूरमी ने फिर भी चांदी का पदक जीता। 50 और 60 के दशकों का एक महान बॉबस्लेडर था यूजेनो मोंटी। 1964 के इंसब्रुक खेलों में दो पुरुषों की स्पर्धा में मोंटी ने अपनी बर्फ गाड़ी से एक पेच निकालकर ग्रेट ब्रिटेन के नैश और डिक्सन की गाड़ी ठीक करने में मदद की। ब्रिटिश जोड़ी प्रथम आई, मोंटी तृतीय। सोल में 1988 की पाल नौका दौड़ या यॉटिंग रेगाटा, दूसरे स्थान पर आते हुए कनाडा के लॉरा लेम्यू ने देखा कि सिंगापुर का जोसेफ चैन अपनी डूबी नाव से 25 मीटर दूर पानी में संघर्ष कर रहा था। लेम्यू फौरन अपनी नाव मोड़कर चैंग की मदद को पहुंचा। रेस तो वो हार गया, लेकिन उसे आईओसी की ओर से साहस और वीरता का पुरस्कार दिया गया। 1992 की बार्सिलोना ओलंपिक्स, एस्टोनिया की साइक्लिस्ट एरिका सेलोमे अपनी पुरानी साइकिल और घिसे टायरों के साथ 1000 मीटर में भाग लेने पहुंची। ऑस्ट्रेलियन टीम के मैकेनिक जॉक बुलर ने उसे टायरों की एक नई जोड़ी तोहफे में दी। सेलोमे ने साइकिल दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। ओलंपिक शताब्दी के आरंभ में डी कुबर्ते को उम्मीद थी कि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का प्रतीक बन जाएगी। 1992 के बार्सिलोना खेलों में 172 देशों का झंडा फहराया गया। अगर एक भी ओलंपिक का आदर्श पूरी तरह सफल रहा है तो निश्चित ही वो है अंतर्राष्ट्रीयता। परंतु इस भावना का विकास धीमी गति से हुआ है। शुरू के खेलों में ओलंपिक्स उन्हीं देशों तक सीमित थी जो कि वहां जाने का खर्च उठा सकते थे, यानी कि सिर्फ धनी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के देश। केवल परंपरागत और सज्जन खेलों का ही बोलबाला था। परंतु बाकी दुनिया ने भी इस विशेष वर्ग में जगह हासिल कर ली। 1928 में जापान का मिकी ओडा पहला एशियाई स्वर्ण पदक विजेता बन गया। ब्राजील के ट्रिपल जंप चैंपियन आडेमार डिसिल्वा ने 50 के दशक में लैटिन अमेरिका की भी खेलों में पहचान बना दी। और जब अफ्रीका के अविबे बिकीला ने टोक्यो में दूसरी बार मैराथन जीता तो वाकई ओलंपिक्स का जादू पूरी दुनिया पे छा गया।